जैसे कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की पढ़ाई कर रहे हैं बीएससी के लिए, है ना, आज हम लोग इस क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, द ऑपरेटर डी के बारे में। एक क्वेश्चन रखे हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ई का पावर 2x आया है, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या कहलाता है सब कुछ समझेंगे हम लोग। तो पूरे क्लास में बने रहिए, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स लेंगे आप लोग तो अच्छा से पढ़ाई कर सकते हैं, बढ़िया से समझ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं, ए टू जेड सोल्यूशन कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मज़ेदार हमारा सीरीज रह रहा है। बहुत सारे बच्चे कोर्स को ले रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। आइए देखा जाए क्या है। देखिए सिंपल बात समझिए, यहाँ पर ऑपरेटर डी के बारे में समझिए। डी बाई डी एक्स जो होता है ना, इसी के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस डी को यूज करते हैं, है ना। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जब आता है ना, इसके जगह पे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं डी वाई, समझ रहे ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया मान लीजिए, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डी स्क्वायर वाई यूज करेंगे, है ना। अब सुनिए, ऐसे ऐसे सब यूज करेंगे आप लोग। एक और चीज़ समझिए, हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं, किस प्रकार से, जब अपोजिट होने की बात हो, जैसे 1 बाई डी या डी का पावर माइनस 1, तो इस टाइप के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं इनवर्स ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं इनवर्स ऑपरेटर, इनवर्स ऑपरेटर। अब इसका एक मज़ेदार बात यह है कि इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे हम लोग, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। इसका मतलब क्या होता है समझे ना बात। वैसे ही अगर हमको ऐसे दिखाई दे 1 बाई डी स्क्वायर, ये सब क्या है, इनवर्स ऑपरेटर है, है ना। इस सब को कैसे प्राप्त करते हैं, इसका सेंस क्या है, इंटीग्रेशन करने का सेंस रहता है, समझे, इंटीग्रेट द फंक्शन, समझिए सेंस क्या रहता है, इंटीग्रेट द फंक्शन। रिवर्स ऑपरेटर का मतलब फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, क्लियर। ये बात समझ में आपको आ गया। देखिए क्वेश्चन के पहले पहुंचने से पहले कुछ बात है, अब क्वेश्चन में पहुंचेंगे, लेकिन क्वेश्चन में पहुंचने के पहले कुछ टॉपिक अब लिखिएगा। प्यारा सा जो नोट्स बना रहा है ना, उसी का काम तो होगा, उसी का तो काम बढ़िया से होगा, समझ रहे ना, बहुत ही मजेदार बात है, क्लियर। जो लोग लगातार सीरीज देख रहे हैं उनको पता है कि हमने चर्चा किया था कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल PI, है ना, जिसको PI हम लोग कहते हैं। इसके लिए देखिए, इसके लिए हम लोग को मेथड सीखना है, क्या सीखना है, मेथड सीखना है। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं इस क्लास में, इस वीडियो में, कि सबसे पहले कंडीशन क्या क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे समझिए, एक हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सोचते हैं DE, समझिए ध्यान से, वो क्या रहे, तो रहे FDY इक्वल टू X, है ना। तो इस रूप में मान लीजिए कोई हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो X जो है, X क्या क्या हो सकता है, तो समझिए यहाँ पे, है ना। तो केसेज हमारा पहला केस है कि x का जो वैल्यू है e का पावर ax हो सकता है, जो हम यहाँ लिए हैं, है ना। देखिए पढ़ाई कर रहे हैं आप, नौटंकी तो है नहीं, इसलिए थोड़ा सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन है, x जो है वो साइन ax हो सकता है या cos ax हो सकता है। तीसरा समझिए बहुत ध्यान से, x जो है x का पावर m हो सकता है, जो यहाँ पे m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। चौथा भी कंडीशन बता रहे हैं आपको, चौथा जो है x इक्वल टू, है ना, e का पावर x रहेगा, लेकिन साथ में भी रहेगा, और भी जो है, भी के बारे में बता रहे हैं, भी बराबर एनी फंक्शन ऑफ x का कोई भी फंक्शन भी हमारा हो सकता है। और हम पांचवे की बात करते हैं बालक, पांचवा, है ना। तो पांचवा में क्या है, x इक्वल टू
एक्स के पावर है ना एम भी, ये भी हो सकता है, क्लियर। तो यहाँ भी क्या है, भी जो है एनी फंक्शन ऑफ एक्स का एनी फंक्शन हो सकता है। तो देखिए पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांच कंडीशन हो गया ना। अब हम लोग सबसे पहले इसको नोट्स बना लीजिएगा अपना, ठीक है ना। हम लोग सबसे पहले इस कंडीशन पे बात करना चाहेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या है इस पे बात करना चाहेंगे, तब मज़ा आएगा, ठीक है। तो आइए स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद शानदार तरीके से देखिए पहला कंडीशन क्या बनाते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में खुरपात बात आ रहा होगा, सर पहले ही क्यों नहीं लिख दिए हैं, इस सब पहले ही लिखते हैं यहाँ से सिस्टमेटिक तरीका से, पहले क्वेश्चन काहे लिखे। क्वेश्चन इसलिए लिखे कि आप लोग पढ़ते हैं ना तो आप लोग लगता है कि बकवास हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो इंटरमीडिएट में मिलता नहीं है, ऐसे टीचर से पढ़ते नहीं आप लोग जो आपके ज्ञान को बढ़ाए। 11 12th में जब हम पढ़ाते हैं तो आपके हर पार्ट को खोलते हैं, कहते हैं कि वो वहाँ पढ़ना है, समझना है, या इंजीनियरिंग में जाएंगे तो वहाँ पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव सेक्शन में तो वहाँ पढ़ना है, हर चीज़ को रास्ता बताते हैं कि कहाँ क्या क्या मिलने वाला है। टीचर ऐसे खोजो जो रास्ता बताए, मार्गदर्शक हो आपका, नहीं कि हंसी मजाक फनी, हम भी हंसी मजाक करते हैं, हम भी पढ़ाते हंसाते हैं, नर्वस नहीं करते हैं, बट आप लोगों को रास्ता दिखाते हैं, बड़ा मत मानिए किसी बात का, इसलिए हमने ऐसा तरीका सिखाया, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, तो पहले और भी कॉन्सेप्ट समझते हैं, है ना। तो रियल कहा जाए तो यहाँ से मेन इस क्वेश्चन की बात हो रही है, चलिए लिखेंगे यहाँ पे पी आई है ना फॉर क्या होगा, पी आई फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर एक्स इक्वल टू ई के पावर ए एक्स, यही तो आपका टॉपिक रहा बालक, है ना। अब इसकी कहानी देखिए, ज़्यादा हम लमराएंगे नहीं, ज़्यादा बातें नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या है समझिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया है वो इस फॉर्म में दिया रहेगा, डी है ना, देखिए यहाँ पे एफ डी वाई इक्वल टू ई के पावर ए एक्स, साफ साफ आपको दिख रहा है इसे, है ना, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। इसमें करना क्या है, है ना, कैसे निकालेंगे हम, समझिए ध्यान से समझिए, कोई हबड़ाहट की आवश्यकता नहीं है, है ना। y इक्वल टू वन बाई एफ डी लिख देंगे ऐसे, है ना, एफ डी इज इन टू ई के पावर ए एक्स, है ना, और ये बराबर हो जाएगा जहाँ पे d है ना वहाँ पे पुट कर देंगे a, है ना, तो एफ ए हो जाएगा ये, और e का पावर ए एक्स, समझ रहे ना। और ध्यान रखिएगा वेयर नीचे एफ ए है, तो एफ ए जो है ना जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और इस तरह से पी आई आपका निकल जाएगा। और क्वेश्चन के माध्यम से हम बनाते हैं, बताते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, है ना, हबड़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे ये काम करना है हमको, है ना, ये क्लियर, ये दोनों बात बराबर है, ये दोनों बात बराबर है, क्लियर। अब देखिए सोल्यूशन, देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले गिवन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ना प्लस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू ई का पावर टू एक्स, है ना, इतना क्लियर हो गया। देयरफोर एक्सिलरी इक्वेशन जो शुरुआत से पढ़ते हैं उनको पता होगा कि एक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, है ना, एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, इज एम से सब्स्टिट्यूट कीजिए, एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस टू इक्वल टू क्या करेंगे बताइए, जीरो कर लेंगे, इधर क्या है मतलब नहीं होता है हमको। अब आइए यहाँ पे सॉल्व कीजिए, एम इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, एम प्लस वन एम प्लस टू इक्वल टू जीरो, यहाँ से m का वैल्यू क्या मिला माइनस वन एंड m का वैल्यू क्या मिला माइनस टू, यहाँ देखिए दो गो मान आपको आ गया। अब सवाल यहाँ पे ये है, समझिए ध्यान से, दोनों रूट क्या डिफरेंट है, तो हमने बताया था क्या आपको, देयरफोर
क्या लिखेंगे, सी एफ, यहाँ लिखेंगे सी एफ, सी एफ माने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सीखिए यहाँ से बात आ गया सी एफ का क्या होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं सी वन, सी वन ई के पावर माइनस वन तक होगा माइनस एक्स प्लस सी टू ई के पावर माइनस टू एक्स, ये मिल गया आपको। अब निकालेंगे क्या हम लोग, अब निकालेंगे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, लिखेंगे नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, डी के फॉर्म में लिखिए डी स्क्वायर समझिए प्लस थ्री डी प्लस, देखिए क्या होगा टू वाई इक्वल टू ई का पावर टू एक्स, ये हो गया किसका, एक्स का मान हो गया, ये किसका हो गया, यह एक्स का मान हो गया, समझे ना, समझिए ध्यान से बड़ा लाजवाब। इसी क्वेश्चन के माध्यम से तो सारा कॉन्सेप्ट जो है ना पर क्लियर कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे मित्र भाई लोग, टीचर लोग, दोस्त लोग पढ़ा रहे लोग, गुरुजी लोग पढ़ा रहे लोग, है ना, तो इसको मिटाते हैं, समझिए जब सिखा रहे हैं उसको सीखिए ना, सीख सीख के तो आगे बढ़ना है आप लोगों को, क्लियर। चलिए तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो इसीलिए पी आई इज, पी आई इज, देखिए वाई इज इक्वल टू पी आई बराबर क्या होगा, देखिए वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए वन अपॉन एफ डी, ये पूरा होगा डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू इंटू ई का पावर टू एक्स, इतना लिख दिया हमने। अब क्या कहा हमने, इसको लिख दिया एफ डी हो गया ना, ये ना एफ डी कहलाएगा, जहाँ पे डी वहाँ पे ए पुट कीजिए, ए क्या है यहाँ पे दो है, तो वन अपॉन है ना टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू प्लस टू इंटू ई का पावर टू एक्स, तो वन अपॉन क्या होगा चार प्लस छ प्लस दो, इतना कोई दिक्कत नहीं है, गुने ई का पावर क्या हो गया टू एक्स, मतलब हो गया वन बाई ट्वेल्व ई का पावर टू एक्स, ई क्या हो गया आपका पी आई हो गया। तो लिखेंगे इसीलिए जनरल सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन इज वाई इक्वल टू क्या होगा, देखिए पी आई ई इज पी आई बराबर लिखेगा यहाँ पे, पी आई बराबर सीधे लिखिए पी आई इक्वल टू लिखिए यहाँ पे, लिखिएगा वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखिए, ठीक है ना, तो क्या होगा सी वन ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी टू ई के पावर माइनस टू एक्स हो जाएगा प्लस पी आई का मतलब कितना, इतना है वन बाई ट्वेल्व ई के पावर टू एक्स, और यहीं क्या हो गया बालक हमारा आंसर हो गया। अब बताइए ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे, ध्यान रखिएगा हमने पांच कंडीशन बताया है, पांच कंडीशन बताया हमने, और आपको यहाँ पे सिर्फ हमने एक कंडीशन पढ़ाया, अगर अभी चार कंडीशन है, आपको समझना चाहिए कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आए ना ऐसे क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा बाबू कि e के पावर ax के फॉर्म में होना चाहिए। अभी इस क्लास में जो पढ़ाया है इसको याद रखिएगा, साफ बोल्ड अक्षर में लिखिएगा, पी आई फोर लिखा है था ना इधर हेडिंग में, वैसे ही कन्फ्यूजन में नहीं आना है, और हम चाहते हैं प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, और अभी एक प्रैक्टिस सेशन ही BSc के लिए लाने वाले हैं, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री के लिए प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, हर बार क्वेश्चन कराएंगे, तो बढ़िया से आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा, राइट। तो बढ़िया से समझिए, अच्छा से लाभ उठाइए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।